इस समय हम जम्मू के अंदर हैं और जैसे लोग और चीजों का नशा करते हैं, यहाँ पे लोग राजमा चावल का नशा करते हैं। सही करूँ सर? जी। तो लगाना शुरू करें। हाँ। जरा दिखाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ड्रम है ना, यहाँ पे ये आगे इनके बन छोले भी बड़े फेमस है यहाँ के। ये बन लिए, इसमें डिप किए हैं। ओहो, इसके अंदर डिप कर दिया जाएंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से इसको तरी के अंदर भिगोया जाता है। ये किस चीज की तरी होती है? ये राजमा और चने दोनों की, दोनों की मिक्स होती है। मिक्स होती है। तो ये बताइए, यहाँ के लोगों को इतना कैसे लगा हुआ है इस चीज से? बस वो मेरे नाने लगाते थे पहले। अच्छा, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं। और ये हो गए जी वहाँ पे ट्रांसफर राजमा में। अब आपकी प्लेट लगा रहा हूँ। लगाइए सर। सबसे पहले आ गए जी यहाँ के जबरदस्त से कुलचा। पूरी ग्रेवी पी के नरम नरम हो चुके हैं क्यों सर? बिल्कुल नरम हो गया। और ऊपर से आ गया, बिल्कुल दो पीस हो गया। ओके, ये आ गया ऊपर से पनीर का पीस। पनीर भी जाएगा ऊपर से? हाँ जी, हाँ जी। दिखाइए जरा पनीर के पीस। ये देखो, ओहो, कितना भाई साहब बड़ा पीस है। कितने के होते सर ये? ये पता नहीं, जहाँ हाथ बैठ जाए उतना डल जाएगा। और ऊपर से आगे घुटे हुए राजमा। और राजमा को कितनी देर तक आप पकाते हैं? चार पाँच घंटे सच्ची में? हाँ। और ऊपर से आगे गाढ़े गाढ़े एकदम पंजाबी स्टाइल छोले। ये आगे थोड़ी सी स्पाइसी। ओके, ये आ गई आपकी अनारदाने की चटनी। हाँ जी। और ये आ गया प्याज, ठीक है। और आ गया चम्मच। ओके, ये प्लेट कितने की होती है? 70 रुपीज। अच्छा, मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए तो इनफ है। और इसके अलावा भी आप और कुछ लगाते हैं? बस राजमा चावल हो गए, चने चावल हो गए, पनीर का पीस हो गया। एक राजमा चावल की प्लेट भी लगाइए फिर हमारे लिए। ये आ गया पनीर के पीस। ये देखो आप पनीर के पीस चेक कर लो, आप फिर से ये डाल रहे हैं राजमा में। और कोई हिसाब नहीं होता, कितना बड़ा पीस हाथ में आ जाए ना वो उसकी प्लेट में आ जाएगा, उसकी किस्मत है क्यों जी। और सबसे पहले आगे जी यहाँ पे चावल, खिले खिले चावल है, बासमती है। और ऊपर से आएगी ग्रेवी, ये राजमा आएगी। और ये देखिए जी, ओए होए होए, एकदम बढ़िया। सुबह होते ही ना लोगों को यहाँ की दुकान के राजमा चावल ना मिले ना तो लोग यहाँ पे एकदम बिन्ना जाते हैं, हमने सुना है। स्पाइसी चटनी। ओके, ये आ गया अनारदाने की चटनी, जबरदस्त। और ये आ गया पनीर का पीस। अब देखो भाई, मेन जो राजा जी यहाँ पे पधारने वाले हैं वो भी पधार चुके हैं। और ये आ गया प्याज। ओके, ये कितने रुपए की होती है एकदम महाप्लेट? 70 रुपए। ये भी 70 रुपए की? 70 रुपए के अंदर इतना सब कुछ, बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए 70 रुपए के अंदर इतनी अमेजिंग सी प्लेट आपको यहाँ पे मिलेगी खाने को, इतनी जबरदस्ती, इतनी भरपूर। आइए इसका स्वाद लेते हैं। सर, हम स्कूल से बंक करके खाने आते थे, वही स्वाद आज भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। उनके नाना जी का स्वाद आज भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया राजमा चावल लगते हैं यहाँ के। ये हम जब से खा रहे हैं तब से वही स्वाद है, सब कुछ बढ़िया है। और अगर ये ना खाएं तो हमें निराशा सी पैदा हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। और तो खा के एकदम दिल खुश? एकदम दिल खुश हो जाता है जी, बात दिन पूरा मजे से निकलता है और खाना भी अच्छा हजम हो जाता है इनका। तो आइए इसका स्वाद लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसको खाने के बाद ना एक जन्नत सी में हो गया हूँ। इतना जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन है, मसाले इतने एक बराबर है और जो राजमा इतने घुटे हुए हैं। हाँ, मतलब राजमा ऐसे है ना कि आप खाते जाओगे और आपका मन बोलेगा रुको मत, चलते जाओ, बस चलते जाओ, ठीक है। और साथ में इनके बन छोले भी हैं, वो भी ट्राई करेंगे। और इतनी भर भर के प्लेट आना कि एक बंदे ने खा लिया ना शाम तक तो भूख पक्का नहीं लगनी। ये देखो जरा आप नज़दीक से कुलचा देख रहे हो आप, ये देखो कितने नरम है कि मतलब उठाते ही टूट रहे हैं यार। इसके अंदर भी इनकी राजमा की ग्रेवी होती है भर भर के। आइए। ओहो भाई, एक बाइट और खाऊंगा, इतनी जबरदस्ती है। ये चीज तो मैंने अभी तक कहीं भी ट्राई नहीं करी कि कुलचे के साथ एकदम राजमा जो है डाले जाए भर भर के, और इतने सॉफ्ट हो गए, इतने मखमली हो गए। मतलब एक हलवाई पे जाके मिठाई खाते ना जो मुंह में घुलता है, बिल्कुल वैसी है, पर इतना तीखा होगा ना, तीखा खाने वालों के लिए तो एकदम जबरदस्त जगह है। तो कभी भी आए यहाँ पे जरूर ट्राई करें। लोकेशन आपके सामने आ रही होगी, जम्मू में इस समय हम खड़े हैं। आइए हम इसका मजा लेते हैं, आप ले इस वीडियो का मजा। फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब अगेन, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।